अस्सलाम वालेकुम, मैं अवकाश अतारी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिज़ाइन का टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प है, तो उसके लिए जो मैंने टूल यूज़ करना है वो बहुत ही कमाल का है और मज़ेदार है। ये देखें, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ गया होगा, तो ये बिग साइज़ में बैलून है, तो इनके साथ आज हम डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसका भी बीच में इफ़ेक्ट देंगे और हो सकता है ये बीच में फट भी सकता है, क्योंकि ये साफ ज़ाहिर है कि बहुत नाजुक चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह जहाँ तक ये चलेगा तो इनसे हम क्रिएट करते रहेंगे और साथ में और भी आपको इफ़ेक्ट दिखाते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। इसमें दो कलर ऐड करेंगे हम, एक ब्लू कलर है और दूसरा है येलो कलर। इन दोनों से हम इंशाल्लाह इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में एक कलर और भी इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो ये ब्लू कलर का जो है आयल ट्यूब का नंबर इसका 443 है, 443। तो इसको मिट्टी के तेल में हमने अप्लाई करना है। इसको अलग से बनाने में भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर नहीं तो इस तरह आपको थोड़ी जगह के लिए चाहिए तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं। इसको अगर सीलिंग पे बनाना चाहें तो भी ऑल द बेस्ट है, अगर इसको दीवारों पर बनाएं तो भी ज़बरदस्त है। तो उसके लिए वाल के लिए ख़ासकर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वाल पट्टी की फिलिंग लाजमी है और ऊपर आयल पेंट एनामल पेंट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि पहले जितनी भी वीडियोस हमने बनाई थी वो दूसरे बैलून से या फुटबॉल से बनाई हैं, और आज मैंने सोचा कि ये वाला बैलून भी इस्तेमाल करके देखते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना ये चल सके, अगर आपको कहीं से मिले अच्छी क्वालिटी में मिले तो इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा, लेकिन नॉर्मल क्वालिटी में जो हमें हमारे यहाँ तो यहाँ नॉर्मल क्वालिटी में मिला है, लेकिन हो सकता है शायद मुकम्मल तौर पर चले या रास्ते में ही इसका ब्लास्ट हो जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जहाँ तक बने, तो आगे और भी इसके साथ टूल्स हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। तो ये कलर है येलो, इसका कोड नंबर है 601601। तो इसको भी इस तरह से सात सात साइडों पे लगाकर इसको लास्ट में मल्टी कर देना है। Thank you.
तो इस तरह से कलर अप्लाई करके ये है हमारा टूल। अब देखते हैं कहां तक चलता है, उम्मीद है कि ये मुश्किल में ही हमारे साथ ये हमारा साथ देगा। चलो जहां तक चलेगा इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। लो जी ये फट गया। तो अब हम दूसरा भी इसी तरह से यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ये कहां तक चलता है। तो इस तरह से नरम हाथ से इसको थोड़ा सा टेक्सचर लगाने की कोशिश, टेक्सचर बनाने की कोशिश करेंगे, तो बाद में हमारा ओरिजिनल जो टूल है वो भी इस्तेमाल करेंगे। चलो इनका साथ तो हमारे से जुदा हो गया, अब हमारे पुराने टूल्स फिर वही काम आएंगे, इनसे वही डिज़ाइन क्रिएट होगा। ये भी बैलून्स हैं लेकिन इनको हमने शॉपर के अंदर व्यवस्थ किया हुआ है। तो इस तरह से इसका टेक्सचर नुमा हमने नीचे बनाकर ऊपर जो है फिर कुछ और भी करने की कोशिश करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से टेक्सचर बनाकर हमने इसको सेंटर में एक ग्रेन का भी शेडो दे देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो बना लें, ना लगे तो इसमें और भी ऐड करने की कोशिश। ये जस्ट मैंने एक आइडिया के तौर पर ये आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं, और इसके साथ एक और शेड भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको आइडिया देता हूँ। इस वीडियो में हमने जस्ट आइडियाज़ ही तैयार किए हैं।